Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Pharmaceutopedia. This is part 4 of our lecture series of Rajasthan Economic Survey 2023 and 2023. And this video is targeting the students who are preparing for Rajasthan RPSC Assistant Professor 2023 and RAS exam. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe for the student media. Now let us start today's lecture with rural and urban development. Rural and urban development में हमने ये चीज़ पढ़नी है कि किस तरीके से ये जो development है हमारे economic survey के अंदर इसके बारे में हमें क्या given है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ऐसे बोलते हैं कि rural and urban development are the respective processes to bring in positive changes in economy as well as in the lifestyle of people living in rural and urban areas by implementing various infrastructural and developmental programs. Urbanization is the gradual shift of population from rural to urban areas. Okay, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जो comparative analysis दे रखा है urban population in Rajasthan and India, जिसमें हमें ये देख सकते हैं हमारे लिए important है 2011, 21 और 31. अगर 11 का आप डेटा देखते हो तो इंडिया के लेवल के ऊपर आपको दिखेगा कि 31.14% था 2011 में, 21 के अंदर 34.43% था और 2031 के अंदर 37.55% था, जो कि हमें ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है. वेयर इज इन राजस्थान 24.87% था 2011 में, 21 के अंदर वही 26.33% हुआ और 31 के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि 27.72% होगा. अब हमारे पास मोस्ट अर्बनाइज्ड जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर वो किसको बताया गया है, कोटा को, जिसके अंदर 60.31% जो पॉपुलेशन है इज लिविंग इन अर्बन एरियाज, जयपुर फिर अजमेर. और लीस्ट अर्बनाइज्ड है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है आप याद कर सकते हो, इनकी परसेंटेज भी इवन याद हो जाएगी. लीस्ट अर्बन एरियाज आपको याद करने हैं तो डूंगरपुर 6.39% ही केवल अर्बनाइज्ड है, बाड़मेर और बांसवाड़, तो ये तीन है आपके पास. आगे आ जाते हैं, अब आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम्स रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये गिवन है आपको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, ये इम्प्लीमेंटेड है टू इरेडिकेट पॉवर्टी फॉर रूरल पुअर अक्रॉस द स्टेट. इसका डेटा नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये देखना है कि किस लिए है ये. फिर है आपका मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल एज इट गारंटीज द राइट टू वर्क. उसके बाद ये आपको देखना है कि एडिशनल 25 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अनाउंस्ड इन बजट 2000, एंड ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कितने दिन का एडिशनल बताया गया है. वैसे हमें पता है कि 100 दिन का होता था, 25 दिन के एडिशनल हो गया. अब है आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि फोकस करता है टू प्रोवाइड पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू रूरल पीपल टू अकम्प्लिश द टारगेट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, आपके पास ये था. फिर है आपके पास प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैंपेन है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है किसने लॉन्च की है, टू रिजॉल्व ऑन स्पॉट इश्यूज ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है? उसके बाद जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो आपके पास आ जाएगा, इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट. हमें पता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काम कर रही है, जो इसका मेन फोकस है ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एक्टिविटीज फॉर द सोसाइटी एट लार्ज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. अब इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो एक तो ये है कि इसके अंदर सिटी पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है इन मानसरोवर जयपुर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क ऑफ जयपुर रहेगा हमारे. उसके आगे है हमारे पास प्रशासन शहरों के संग, सेम टू सेम वैसे ही गांव के संग था वैसे ही शहरों के संग है. इसके अंदर भी क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बन बॉडीज ऑफ कॉमन सिटीजंस. उसके बाद अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास रहेगा, अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, डायरेक्ट अब हमें आना है टूरिज्म के ऊपर. टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें हमें ये देखना है कि टूरिज्म, इसमें जो मेन चीज यही है आपके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन
राजस्थान कौन कौन सी है। तो आप ये देख सकते हैं इसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बजट के अंदर फोटोज के साथ आपको कोई चीज गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि हिल एंड फोर्ट्स के अंदर चित्तौड़गढ़, कुंबलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन फोर्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर है आपके पास प्रोटेक्टेड साइट जो है सिटी वॉल जो है आपके पास जयपुर, फिर है जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी के अंदर, ठीक है। आ जाते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो हमें पता है कि कुछ स्कीम्स है जैसे कि समग्र शिक्षा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि यहाँ पे IITs और इनके बारे में आपको जो नॉलेज दे रखी। देखिए ये चीज आपको पढ़ के जानी है कि हमारे राजस्थान में कितनी IITs है, कहाँ कहाँ पे है। तो पहली है जोधपुर, दूसरी है कोटा, MNIT कहाँ है जयपुर के अंदर, जहाँ IIM कहाँ है उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है इसके अंदर वो ये रहेगा, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक टू क्लासेस 1 to 8 स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC SBC DT NT मार्जिनल एरियाज। उसके बाद राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट है 2009 का, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन 1 अप्रैल 2010 के अंदर। ये जो एक्ट है 25% सीट्स रिजर्व रखता है प्राइवेट के स्कूल्स के अंदर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ वीकर सेक्शंस, और इसके रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है इस वेबसाइट से। इस वेबसाइट का भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या ये PSP.NIC.IN है, और ये जो है इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रही है टाइमली रिइंबर्समेंट ऑफ 25% फ्री एजुकेशन एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल्स। अब ये क्या है आपके पास देख लेते हैं, इसके आगे आपको जो है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो मेन चीज कैसे है इसके अंदर, जो मेन चीज है आपके पास वो इन्फेंट जो रेट्स है, इसमें आपको टोटल फर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दे रखी है अप टू 30 नवंबर 2022। तो ये इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है कि चिल्ड्रन पर वुमेन तो इंडिया लेवल के ऊपर 2.2 है, वेयर एज राजस्थान लेवल के ऊपर वही 2.4 है, तो ज्यादा है, और ये दोनों के दोनों 2 के ऊपर है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि पर 1000 लाइव बर्थ्स कितनी है, इंडिया के अंदर आपके पास 40.7 है, राजस्थान में 41.3 है, इंडिया के अंदर 35.2 है तो राजस्थान के अंदर 30.3 है, वो आप अच्छे से इसको रीड करना है, ये फैक्चुअल्स आपको याद रखने हैं, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आपके लिए। अगर आपको ये पसंद आती है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटर पीडिया, सारे के सारे लेक्चर्स देखना ये आपके लिए ही बने हुए हैं, और अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू।